कल भी विलेज बोलते यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने किसी भी मतलब नेता हुए विधायक हुए किसी के पास भी नहीं सुना, सबके पास अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन आज तक हम लोग अभी भी भटक ही रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में सब जगह में न्याय मिल चुका है कि हम गेट को लिख के दिए करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हम अभी तक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। घर से हमें निकलते हैं तो परमिशन नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग अपना अधिकार के लिए जा रहे हैं, बोल के आते हैं। आधी रात तक जैसे आते हैं निकलते हैं, हम घर से सुबह निकलते हैं तो शाम रात हो जाती है। मैम सरकार नहीं, एक सवाल और सैकड़ों उंगली उठते हुए शायद सरकार पर कि ये न्याय क्यों नहीं दे रही है। हम आगे बात करते हैं, ये आप समझ सकते हैं, वहाँ से निकल कर ये संघर्ष आप देख रहे हैं अपनी नजरों से, और हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं उनसे। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुमार, मैं बदामपुर की। मैं बताना चाहूँगा कि 11 अगस्त 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त साफ साफ निर्देश दे दी है कि प्राइमरी में बीआरटी में बीएड वाले किसी भी माध्यम से वो शामिल नहीं हो सकते। वही हमारा केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुका, हाई कोर्ट से फाइनल हो चुका, हम लोग दोनों जगह लड़ चुके और फाइनल आने के हाई कोर्ट से आया हुआ फाइनल लगभग 6 महीना गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट से भी आया हुआ 1 महीना गुजर गया। अभी तक हमारी सरकार अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं ली है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, हाई कोर्ट में भी लड़ा, कर्ज ले लेके मैम हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, हाई कोर्ट में लड़े हैं, इतना प्रताड़ित हो रहे हैं कि आज तक हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। सरकार पता नहीं क्यों कान बंद करके बैठी हुई है कि हमारी आवाज़ उनके तक नहीं पहुंच रही है। आज हमारे पास कर्ज की बोझ लगी हुई है हमारे सर के ऊपर, आज भी हम कर्जदार बने हुए हैं। इस उम्मीद में है कि हमारे आज नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी तो हम उस कर्ज को चुका पाएंगे। 1 साल से हम प्रताड़ित हो रहे हैं और हमारी साय सरकार बात करती है कि न्याय उचित सरकार है। जब न्याय उचित सरकार है तो क्या यही न्याय है? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, आपके बिल्कुल 24 मार्च के माध्यम से मैं उनकी तक आवाज़ भी पहुँचाना चाहूँगा कि अगर न्याय सरकार है उनकी तो हम कहाँ से न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो अपना हक मांग तत्काल बोलेंगे, बाकी तुरंत चलिए फिर वहाँ पर चलते हैं उसके बाद। चलिए चलिए है ना, झंडा के ऊपर रखिएगा सर, झंडा के ऊपर रखिएगा। एक जन हम आगे रहेंगे, एक जन पीछे, मतलब वो माइक वाला रहेगा। जनसंख्या का थोड़ा ज्यादा लाइन नहीं रहेगा, दो लाइन में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, होश में आकर नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। होश में आओ, 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 हो
देनी होगी पालन करो। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो।